लेट्स टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑफ एक्सरसाइज सेवनटीन बी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज अ हेमिस्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है इज एमटीड बाई अ पाइप जो एक पाइप से एमटी किया जा रहा है एट द रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन लीटर पर सेकेंड जिसका रेट है ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन लीटर पर सेकेंड का हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम टी हाफ द टैंक कितना टाइम लगेगा इस टैंक को आधा करने में इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द टैंक इज थ्री मीटर अगर बेस का डायमीटर मीटर थ्री मीटर है सबसे पहले अपनी फिगर बना लेते हैं देखिए ये हमारा हेमिस्फेरिकल टैंक है और ये पाइप है जिससे खाली किया जा रहा है टैंक तो हमारा हेमिस्फेरिकल टैंक का डायमीटर दे रखा है थ्री मीटर ये हमारा डायमीटर हो गया थ्री मीटर और क्या कह रहा था दैट्स इट ये बता रहा है कि ये एम किया जा रहा है जो कि रेट है ट्वेंटी फाइव अपॉइंट सेवन लीटर पर सेकेंड के रेट से तो जो जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं हमें डायमीटर दे रखा है डायमीटर ऑफ हेमस्फेयर हैमस्फेयर दे रखा है दैट इज थ्री मीटर तो रेडियस कितना हो गया रेडियस ऑफ हेमस्फेयर हो गया डायमीटर का आधा दैट इज थ्री अपॉइंट टू मीटर आ गया राइट right? अब हमें बता रहे हैं किस रेट से पानी का किस रेट से पाइप से निकल रहा है तो हम ये लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉटर गेटिंग एम टीड थ्रू पाइप किस रेट से निकल रहा है पाइप से पानी इन वन सेकेंड एक सेकेंड में कितना पानी निकल रहा है ये कितना बता रहा है ट्वेंटी फाइव अपॉइंट सेवन लीटर्स बता रहा है राइट right? अब हमें लीटर्स को मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा तो हमें पता है वन लीटर होता है हमारा वन वन अपॉन उजेंड मीटर क्यूब तो ट्वेंटी फाइव अपॉन सेवन लीटर्स कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन सेवन इंटू वन अपॉन वन थाउजेंड मीटर क्यूब आ गया तो ये आ गया हमारा ट्वेंटी फाइव अपॉन सेवन थाउजेंड मीटर क्यूब पानी निकल रहा है टैंक में से एक सेकेंड में राइट right? अब हमें इस हेमेस्फेयर का वॉल्यूम निकालना होगा कि इसमें टोटल कितना पानी है और इसका हाफ टैंक का कितना वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ हेमेस्फेयर पाइप का हमें वॉल्यूम पता चल गया है अब हम हेमस्फेयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं जो कि है हमारा टू अपॉन थ्री पाईआर क्यूब तो ये कितना आ गया दैट इज टू अपॉन्ट थ्री पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन आर कितना है थ्री अपॉन टू इंटू थ्री अपॉइंट टू इन थ्री अपॉन टू तो ये कितना आ गया थ्री से थ्री कैंसिल हो गया टू से टू कैंसिल हो गया टू वन जर टू टू वन जो टू तो ये आया थ्री थ्री जाइन नाइनटी नाइन अपॉन फोटीन मीटर क्यूब वॉल्यूम हुआ हमारे पूरे हेमस्फेयर का लेकिन इसके आधा टैंक का वॉल्यूम क्या होगा वॉल्यूम ऑफ हाफ हेमिसफेयर क्योंकि हमें सिर्फ आधा टैंक ही खाली करना है तो कितना वॉल्यूम हुआ आधे हेमेस्फेयर का वो निकालना होगा तो आधा कर देंगे किसको वॉल्यूम ऑफ हेमस्फेयर को वॉल्यूम ऑफ हेमस्फेयर को तो ये कितना आ गया हाफ कर दिया हमने वॉल्यूम कितना आता है हैमिस्फेयर का नाइन्टी नाइन अपॉन फोर्टीन तो ये आ गया हमारा नाइन्टी नाइन अपॉन ट्वेंटी एट मीटर क्यूब अब हमें क्या निकालना है अब हमें निकालना है कितना टाइम लगेगा इस हेमस्फेयरिकल टैंक को आधा करने में तो कैसे निकालेंगे टाइम इक्वल्स टू हमारी बड़ी चीज क्या है हेमिसफेयर है तो उसके वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ हाफ हेमस्फेयर करना था तो हाफ हेमिसफेयर ही लेंगे हेमिसफेयर का भी आधा वॉल्यूम क्योंकि उस हेमस्फेयर को आधा टैंक ही एम करना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर गेटिंग एम टी थ्रू पाइप गेटिंग

तो इसको क्या लिख सकते हैं 99 नाइन अपॉन ट्वेंटी एट ऊपर चला गया अपॉन 25 अब देखिए सेवन वन जो सेवन जीरो 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 सेवन फोर जो ट्वेंटी एट फोर वन जो फोर फोर टू जट फोर फाइव जो ट्वेंटी एंड ज़ीरो ट्वेंटी फाइव वन जो ट्वेंटी फाइव एंड ज़ीरो तो ये कितना आ गया नाइन नाइन्टी एक सेकेंड का आया है तो टाइम कितने में आया गया 990 नाइन्टी सेकेंड आ गया अब हमें इसे या तो 990 नाइन्टी सेकेंड आंसर लिख दीजिए या आप चाहें तो इसको मिनट्स और सेकेंड्स में चेंज कर सकते हैं कैसे करेंगे देखिए 990 नाइन्टी सेकेंड को हमने मिनट्स में बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आया जीरो से जीरो कैंसिल हुआ थ्री टू जिक्स एंड थ्री थ्री जा नाइन थ्री थ्री नाइन तो ये आ गया थर्टी थ्री अपॉन टू थर्टी थ्री अपॉन टू मिनट्स आ गया राइट right? तो अब इसको क्या लिख सकते हैं टू वन जो टू टू सिक्स जो ट्वेल्व मिनट्स और कितना बचा वन वन अपॉन टू अब मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे इन टू सिक्सटी तो ये कितना आ गया सिक्सटीन मिनट्स थर्टी सेकेंड्स हमारा आंसर आ गया कि इस हेमस्फेरिकल टैंक को आधा करने के लिए कितना टाइम लगेगा 16 मिनट्स 30 सेकेंड इज द आंसर